हेलो दोस्तों, हम लोग सर्कुलर मोशन कर रहे थे और सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने लास्ट वीडियो जो था हम लोगों का, उसमें लास्ट लेक्चर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किया था। मैंने बताया था, देखिए सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन की जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो डिसाइड करती है कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंगुलर वेलोसिटी स्पीड से कनेक्टेड होती है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा से। तो अगर किसी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाई टी से टाइम पीरियड और स्पीड तीनों में से कोई भी एक चीज कांस्टेंट कर दो, बाकी दोनों ऐसे ही कांस्टेंट हो जाएंगे। फिर कौन से बोल रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, टाइम पीरियड टी, स्पीड वी, कांस्टेंट है सर्किल में घूमने वाले पार्टिकल का, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। जैसे कि हम लोगों ने किए थे, जैसे आर एंड मिनट एंड सेकेंड एंड वाले एग्जाम्पल, अर्थ अबाउट सन, अर्थ अबाउट वन एक्सिस, बिल्कुल निकाले थे हम लोगों ने। अब भाई फैन है लगातार उसी तरह से घूमता जा रहा है बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से, तो फैन का कोई टिप ले लो, फैन का कोई पार्टिकल ले लो, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन देखा था, एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो स्पीड नहीं बदलता। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोगों ने देखा था कि ऐसा एक्सेलरेशन जो स्पीड नहीं बदलता, सिर्फ डायरेक्शन बदलता है, सिर्फ घुमाता है, और इस एक्सेलरेशन को हम लोगों ने बोला था ईसी, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। वैल्यू निकाली थी वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर, और डायरेक्शन निकाली थी हम लोगों ने, बोला था कि स्पीड ना बदले, इसके लिए जरूरी है कि ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी से 90 डिग्री पे, और ऑलवेज 90 डिग्री पे हो, और ऑलवेज 90 डिग्री इनवर्ड हो, क्योंकि तो उसको घुमाना भी है, अंदर की तरफ घुमाना है। तो ये वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंट टू द पाथ होगी सर्किल में, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होती है, रेडियस होती है, और सारी सारी रेडियस कहाँ पे आके मिलती है, सेंटर की तरफ, सर्किल के सेंटर की तरफ। तो इस डायरेक्शन को हमने बोला था सेंटीपीटल डायरेक्शन, और इस एक्सेलेरेशन को बोला था सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन, जिससे वो सिर्फ डायरेक्शन बदलता है और जिसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। अब यहां पे आके मैंने बताया था कि इन जनरल पार्टिकल किसी भी टाइप का मोशन करे, किसी भी कर्व्ड पाथ में घूमे, वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होगी होगी। एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी से कुछ एंगल बना रहा हो, तो उस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक जो वेलोसिटी का लॉन्ग आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे एटी, टेंजेंशियल टेंजेंशियल कंपोनेंट, जो स्पीड बदलेगा। अब डिपेंडिंग अपॉन उसी तरफ है, वी की तरफ है तो स्पीड बढ़ाएगा, वी के अपोजिट है तो स्पीड घटाएगा, बट वी के लॉन्ग ही होगा। दूसरा एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो वेलोसिटी से 90 डिग्री आएगा, और टूवर्ड्स इनवर्ड्स इनवर्ड्स द सेंटर, देखिए इधर 90 डिग्री पे, ऊपर 90 डिग्री नहीं गया नीचे, क्योंकि सेंटर इधर की तरफ आएगा, उसको नॉर्मल एक्सलेशन ए एन भी मैंने लिखा था, और एसी सेंटीपिटल एक्सलेशन भी बोल सकते हैं। ये है जो सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा। एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है, वन ऑफ देम ओनली चेंजेस स्पीड एंड अनदर ओनली चेंजेस द डायरेक्शन। स्पीड चेंज करने वाला एटी, डीवी बाई डी टी, डायरेक्शन बदलने वाला एसी, वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर, एक अलॉन्ग एक 90 डिग्री, ये इन जनरल है। तो जब हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जहां पे ओमेगा बदल रहा है, टाइम पीरियड बदल रही है, वी स्पीड बदल रही है, वेलोसिटी तो कह रहे हैं एनीवे बदलनी बदलनी, क्योंकि डायरेक्शन भी बदल रही है, स्पीड बदल रही है, वेलोसिटी तो बदलेगी बदलेगी। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा बदल रहा है, तो डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा भी होगा, अल्फा भी होगा। और जो हम लोग बोल रहे हैं कि इस समय एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एटी और एसी, देखिए जैसे मान लीजिए वेलोसिटी वी एसी है, तो एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट एटी जो टेंजेंशियल है, जो स्पीड बदल रहा है। भाई एटी क्या होता है, स्पीड बदलने वाला डीवी बाई डी टी होता है, डीवी बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ वी, वी वी कितना होता है आर ओमेगा, डी बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा। आर क्या होती है, रेडियस, जो कि एक कॉन्स्टेंट होती है, तो ये रेडियस हमारी बाहर आ गई, तो ये बचा कितना, आर मल्टीप्लाइड बाई डी ओमेगा बाई डी टी। क्या होता है डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा। तो ए टी की वैल्यू डी वी बाई डी टी भी होती है, आर अल्फा भी होती है। ए सी वी स्क्वायर बाई आर लिख लो, चाहे ओमेगा स्क्वायर लिख लो, वो 90 डिग्री पे लिखना है। तो ये जो ए टी और ए सी दो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स हैं, तो नेट एक्सेलरेशन कितना, क्योंकि कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स का मतलब हिस्से, तो नेट या रिजल्टेंट तो इन हिस्सों का सम होगा ना, वेक्टर सम। तो एटी और एसी बनाए और आप इनको देखो, टेल टू टेल बनाया, तो पैलोग्राम से इनका नेट रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा, कुछ ऐसे डायगोनल की तरफ, है ना। ये एटी एसी का पैलोग्राम कंप्लीट किया हम लोगों ने, तो कितना आएगा पैलोग्राम लॉस, भाई इनके एटी और एसी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, एक एक्स में एक वाई में, इस टाइप से एंगल 90 डिग्री एंगल तो हमेशा बना रहेगा। तो नेट एक्सलेशन आएगा अंडर रूट एटी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर एसी स्क्वायर, यही होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन कितना होता है, अंडर रूट एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होती है, तो भाई टेंजेंट से एंगल देखो, अगर टेंजेंट पे क्योंकि वेलोसिटी भी, तो वेलोसिटी से एंगल हो जाएगा,
तो टेन थीटा इज इक्वल टू, ये देखो भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एसी अपॉन एटी, तो थीटा हो जाएगा टेन वर्स एसी अपॉन एटी। तो भाई हमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन भी मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गया। और याद रखना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन वेलोसिटी से 90 डिग्री नहीं बना रहा है। भाई स्पीड बढ़ रही होगी तो ए टी और ए सी का जो सम आएगा वो ऐसा आएगा, ये तो वेलोसिटी से एक्यूट एंगल बनाएगा। तो कई लोगों को गलत फहमी होती है कि सर्कुलर मोशन है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी से 90 डिग्री बनाएगा। ना ना, यहाँ पे देखो नेट एक्सेलरेशन वेलोसिटी से एक्यूट एंगल बना रहा है। भाई स्पीड घट रही होती तो वेलोसिटी ऐसे तो एटी अपोजिट डायरेक्शन में होता, एसी तो क्या 90 डिग्री पे आता, नेट एक्सेलरेशन इधर आता, ये वेलोसिटी से ऑब्टूज एंगल बनाता। तो अगर स्पीड घट रही हो तो नेट एक्सेलरेशन वेलोसिटी से ऑब्टूज एंगल बनाएगा, स्पीड बढ़ रही हो तो नेट एक्सेलरेशन वेलोसिटी से एक्यूट एंगल बनाएगा, और अगर स्पीड ना बढ़े ना घटे तो 90 डिग्री बनाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अब बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल बताओ, तो बस पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम का जो बॉब होता है, जब वो पेंडुलम का बॉब चलते चलते अपने लोअर मोस्ट पोजिशन पे आता है तो उसकी स्पीड बड़ी होती है, ओमेगा बड़ा होता है, और जब वो मेन पोजिशन को क्रॉस करके दूसरे साइड चला जाता है तो उसकी स्पीड घटने लगती है और एक्सट्रीम पोजिशन पे आके जीरो हो जाती है। स्पीड चेंज हो रही तो ओमेगा चेंज हो रहा है। तो वो जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही तो हो गया पेंडुलम का मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, उसमें एटी भी होता है और एसी भी होता है। क्वेश्चन और करते हैं। गिवन इज कि एक पार्टिकल सर्किल में चल रहा है जहां पे उसकी स्पीड टाइम के साथ v इज इक्वल टू 2t, t टाइम है, चेंज हो रही है, रेडियस उसकी सर्किल की 1 है। बताओ नेट एक्सेलरेशन कितना और किस डायरेक्शन पे है, कब बताना नेट एक्सेलरेशन, t इज इक्वल टू 1, 1 सेकंड पे मोशन स्टार्ट होने के 1 सेकंड बाद। तो सबसे पहले 1 सेकंड बाद स्पीड ही बताओ, v1 रखो तो स्पीड आई 2, रेडियस 1 है तो ac v स्क्वायर बाय r, 4 बाय 1 ac आ गया 4, at dv बाय dt, 2t का डिफरेंशिएशन कितना 2, तो 80 आ गया, एसी आ गया, तो नेट एक्सेलरेशन कितना अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर अंडर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 प्लस 4 अंडर रूट 20 नेट एक्सेलरेशन। डायरेक्शन टेन इनवर्स एसी बाय 80, टेन इनवर्स एसी 4, 80 2, टेन इनवर्स 4 बाय 2, टेन इनवर्स 2 का एंगल हो गया। तो देखिए हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन निकालना, कंपोनेंट करना, रिजल्टेंट, डायरेक्शन, कितना एंगल बनाता है, एग्जाम्पल, सारी चीजें डिस्कस कर ली। बट इसके बावजूद अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट रख के पूछ लेना, या तो बेस्ट तरीका है पूछो तो ऐप डाउनलोड करो, जो डाउट है उसकी पिक या स्नैपशॉट खींचो अपलोड कर दो ऐप में, बहुत जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो मर्जी आए, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सारी चीजें, आपको जो भी डाउट हो आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर जरूर मिलेगा एट द अर्लीस्ट। ना मिले तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है।